हेलो दोस्तों, वी फॉर यू लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी टाइप के मोशंस जो होते हैं पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाते हैं, ओपिनियन जाहिर करने के लिए मोशंस लाए जाते हैं। तो वो मोशंस होते क्या है, कितने टाइप के हैं, तो इस लेक्चर में हम लोग सारे मोशंस को डिस्कस करेंगे और जितने भी डाउट है सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर के दौरान। तो बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और कितने टाइप के, जैसा कि आप लोगों ने मोशंस के बारे में सुना होगा, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशंस कब लाए जाते हैं, कौन लाता है, कॉन्फिडेंस मोशंस क्या होता है, मोशंस ऑफ थैंक्स, सेंसर मोशंस, ये सारे जितने भी हैं ये इस वीडियो के दौरान हम लोग सारे मोशंस को डिस्कस कर लेंगे। पर उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है, जितने भी वर्ड टर्म्स जो हम लोग को कंफ्यूज करते हैं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मोशंस होते क्या है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों को न्यूज में या और भी किताबों में भी पढ़े हैं कि एडजर्नमेंट मोशन होते हैं। तो ये सब है क्या मोशंस, पहले समझिए कि कौन लाता है, क्यों लाता है। तो मोशंस जो होता है एक कोई प्रपोजल है, ये एक प्रपोजल होता है। प्रपोजल बोलने का मतलब या तो ओपिनियन भी हो सकता है, ओपिनियन यानी अपनी राय भी हो सकती है, या अपनी नाराजगी को भी व्यक्त करने का एक तरीका है, जैसे सेंसर मोशन होता है। ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये समझिए कि मोशंस के द्वारा जो सदस्य हैं अपने विचारों को डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट में, अपनी नाराजगी को भी व्यक्त करते हैं और अपनी सहमति को भी दिखाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मोशंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोशंस एक तरीका है, प्रोसेस है, जिसके थ्रू ये अपनी मनोस्थिति को व्यक्त करते हैं। अगर पब्लिक रिलेटेड कोई भी इशू है उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करने के लिए भी मोशंस लाए जाता है। अगर कोई पॉलिसी सही से काम नहीं कर रही है तो उसके लिए भी मोशंस लाए जाता है। तो ये सारे मोशंस के थ्रू ही ला करके कोई भी डिस्कशंस आगे बढ़ता है। तो मोशंस के टाइप क्या क्या होते हैं चलिए देख लेते हैं। एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशंस, कॉन्फिडेंस मोशंस, सेंसर मोशंस, प्रिविलेज मोशंस, ये क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लोजर्स मोशन क्या होता है, मोशंस ऑफ थैंक्स लाता कौन है, मोशंस ऑफ थैंक्स ये कैसा मोशंस है, इसके थ्रू क्या होता है, नो डे येस मोशन, ये सारे मोशंस को हम लोग एक एक करके आने वाले कुछ समय में डिस्कस कर लेंगे। तो बने रहिए। तो एडजर्नमेंट मोशन दोस्तों होता क्या है, इसे स्थगन प्रस्ताव भी कहते हैं। बेसिकली ये जो मोशन है सरकार के प्रति या सरकार के अगेंस्ट अपनी निंदा जाहिर करना होता है। जब सरकार किसी मुद्दे या मैटर पे अपना काम सही ढंग से नहीं करती है, ये बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ जब वो अपना काम सही ढंग से नहीं करती तो कौन लाता है, अपोजिशन पार्टी। कोई भी ला सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है हम एक जनरल में कोई भी मेंबर ला सकता है, एनी मेंबर ला सकता है। लेकिन क्या होता है, जब गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ निंदा जाहिर करना होता है वो कौन करेगा, ऑपोजिशन ही करता है। तो जब सरकार किसी भी मुद्दे पर अपने काम को सही ढंग से नहीं करता है जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड हो, पब्लिक इम्पोर्टेंस का बोलने का मतलब सार्वजनिक महत्व रखता हो, तो उस समय एडजर्नमेंट मोशन बुलाया जाता है ताकि सरकार का जो फोकस है, ध्यान है, वो मुद्दे पे आए। तो इस मोशन को बुलाता कौन है, जैसा मैंने कहा कि कोई भी मेंबर बुला सकता है, वो भी सरकार के, जैसा कि ये सरकार के लिए होता है, सरकार के खिलाफ होता है और सरकार हमारा लोकसभा में ही बनता है। तो यह एडजर्नमेंट मोशन जो है यह लोकसभा में ही सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकता है, ना कि राज्यसभा में। इस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदस्य को सबसे पहले आवर में ही प्रेसाइडिंग ऑफिसर से परमिशन लेना पड़ता है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा दोस्त। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं हमारे लोकसभा के, उनसे परमिशन लेना पड़ता है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर से परमिशन लेने के पहले ये जो प्रपोजल को इंट्रोड्यूस करते हैं उन्हें 50 मेंबर का सपोर्ट का जरूरत होता है। जब ये 50 मेंबर के सपोर्ट को लेके आते हैं, 50 मेंबर के सपोर्ट का जरूरत होता है, 50 मेंबर का जैसे ही सपोर्ट इन्हें मिल जाता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये एडजर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये कार्यवाही आगे किया जाता है और जैसे ही एक डिस्कशन चालू हो जाता है एडजर्नमेंट मोशन पे जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है, तो ये 2.5 घंटा मिनिमम चलता है। 2.5 घंटा डिस्कशन जो कि 4 बजे से 6:30 बजे तक चलता है। कभी कभी डिस्कशन इतना लंबा हो जाता है जो कि 2 से 3 दिन तक का भी समय ले लेता है। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा नीट 50
मेंबर सपोर्ट सिर्फ लोकसभा में बुलाया जा सकता है, ये पब्लिक इम्पोर्टेंस से जो रिलेटेड है उसके तरफ हाउस का जो मिनिस्टर या जो भी मेंबर है उनका फोकस को अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। डिस्कशंस जो है वो जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इस पे जो डिस्कशन होता है ये कम से कम 2.5 घंटा चलता है, जो कि 4 से 6:30 बजे तक के टाइम पे ये चलता है। शाम के 4 बजे से 6:30 बजे तक ये डिस्कशन मिनिमम चलता है। चलिए आगे देखते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आर्टिकल 75 हमारे संविधान में ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब तक है तब तक लोकसभा है, तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तब तक लोकसभा है। क्योंकि हमारा जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद 5 साल तक का जो टेन्योर होता है लोकसभा का, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने मेजोरिटी को सिद्ध करके 5 साल तक अपने ऑफिस के कार्यकाल को संभालते हैं। इसका मतलब ये लोग तब तक अपने ऑफिस को संभालेंगे जब तक इनके पास बहुमत होता है, यानी मेजोरिटी ऑफ मेंबर होता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो रूलिंग पार्टी है उनमें किसी मुद्दे पर सहमति नहीं होने के कारण आपस में मतभेद हो जाता है, तो कुछ लोग जो कि मेंबर होते हैं उस रूलिंग पार्टी के, वो या तो सपोर्ट देना बंद कर देते हैं, सपोर्ट अपना वापस ले लेते हैं, या पार्टी से रिजाइन कर देते हैं। और इसी समय क्या होता है, अपोजिशन पार्टी क्या करता है, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है। ये अपोजिशन पार्टी लाता है किसके खिलाफ, रूलिंग पार्टी के लिए। इस मोशंस को लाने के लिए 50 मेंबर का सपोर्ट का जरूरत है। सेम 50 मेंबर जब सपोर्ट कर देंगे तो इससे जो हमारी अध्यक्ष महोदय होते हैं लोकसभा के स्पीकर, वो एडमिट कर लेते हैं, यानी एक्सेप्ट कर लेते हैं इनके प्रपोजल को, और उसके बाद ये आग्रह करते हैं लोकसभा के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है कि अपने जो बहुमत है उन्हें सिद्ध करें, जो वोटिंग प्रोसेस होता है उसके बाद सिद्ध करके ये साबित करें कि इनके पास अभी भी मेजोरिटी है, ताकि जो कि रूल करने के लिए चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बार लाने के बाद, दूसरा पहला बार लेके आए और दूसरे बार लाने के लिए बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। 6 मंथ कम से कम गैप होता है। फर्स्ट टाइम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया गया था ये 1963 में लाया गया था। किसके द्वारा लेके आया गया था? बाय आचार्य कृपलानी के द्वारा। आचार्य कृपलानी उस समय के किसके खिलाफ लाया गया था? अगेंस्ट रूलिंग पार्टी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं। तो नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए सिर्फ लोकसभा में, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है होती है उनके खिलाफ लाया जाता है, वो लोकसभा में ही होते हैं। इसमें जो होता है, जो मेंबर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करते हैं उन्हें कोई रीजन बताने का जरूरत नहीं होता है कि क्यों वो लोकसभा में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई रीजन बताने का जरूरत नहीं। जैसे ही लोकसभा में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो रूलिंग पार्टी है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना, यानी रिजाइन, ये डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद लोकसभा फिर से इलेक्शन जारी हो जाता है। आगे देखते हैं। चलिए, कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? जैसा कि अभी हम लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन देखा कि अगेंस्ट पार्टी रूलिंग पार्टी के लिए लेके आता है, इसी तरीके से कॉन्फिडेंस मोशन में जो रूलिंग पार्टी है वो खुद के मेजोरिटी को शो करती है कि हाँ मेरे पास अभी बहुमत सरकार है, और ये अपने कॉन्फिडेंस को जाहिर करते हैं कि हाँ हम लोग रूलिंग करने के लिए अभी सक्षम हैं और हमारे पास बहुमत है। तो प्रेसिडेंट द्वारा दिए गए सीमित समय के अंदर जैसे ही इलेक्शन होता है, एक सरकार बनने के लिए रूलिंग पार्टी को अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, यानी एक सरकार बनाने के लिए जितना सीट चाहिए होता है उनको प्रूव करना पड़ता है। कौन? किसको? रूलिंग पार्टी को। जैसे ही कोई जनरल इलेक्शन हो या सिचुएशन में ऐसा कोई सिचुएशन जिसमें कोई सरकार को डिसीजन लिया गया हो, तो उस समय क्या होता है, कुछ दल या मेंबर, जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट वापस ले लेते हैं या रिजाइन कर देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपना मजबूती, अपना मेजोरिटी बना है कि नहीं बना है, ये उन्हें दिखाना बहुत जरूरी होता है। किसे? रूलिंग पार्टी को, ताकि सरकार सही ढंग से अपना काम
कर सके, इसी को ही कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं दोस्तों। तो प्रिविलेज मोशन क्या होता है, प्रिविलेज मोशन देख लेते हैं। जैसा कि हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के सभी मेंबर और मिनिस्टर को विशेष अधिकार दिया गया है, दे के रखा गया है, फैसिलिटीज दे के रखा गया है, पावर दे के रखा गया, यही विशेष अधिकार को प्रिविलेज कहते हैं। और इसलिए दिया गया है ताकि जिसके मदद से सारे मेंबर या मिनिस्टर जो है अपने कार्य को ठीक से सही ढंग से कर सके। ज्यादातर क्या होता है, पर कभी कभी जो मिनिस्टर होते हैं, आप ज्यादातर देखे होंगे किसी के पास अगर पावर आ जाता है तो अहंकार के कारण या लालच के कारण उसका गलत उपयोग करने लगता है। इसी तरीके से पार्लियामेंट में भी रूलिंग पार्टी जनरली होते हैं जो कि अपने प्रिविलेज का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, गलत उपयोग करने लगते हैं केवल अपने फायदा के लिए। उस टाइम क्या होता है, कोई भी मेंबर जो है, ये मेंबर, कोई भी मेंबर प्रिविलेज मोशन लाता है ताकि उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके, या एक मेंबर के लिए भी कॉल किया जा सकता है, या फिर किसी कमेटी के लिए भी, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी। अगर देखा जाए कोई भी अपने फायदे के लिए गलत काम कर रहा है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उस समय प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर निर्भर करता है कि ये इस मोशन को एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। अगर एक्सेप्ट करती है तो वो एक कमेटी बनाती है, और वो कमेटी क्या करता है, इस मैटर पे जांच करता है। वो कमेटी का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड करता है ये इंडिविजुअल के ऊपर प्रिविलेज मोशन लाया गया है कि कमेटी के ऊपर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर। वो उसके ऊपर डिपेंड करके इसका साइज जो होता है वो बनता है, जो जांच कमेटी बनते हैं। तो हमारे संविधान ने तो प्रिविलेज तो दे दिया है, पर अलग से कोई कानून नहीं बनाया है, बल्कि पार्लियामेंट के ऊपर ही छोड़ दिया गया कि अगर कोई भी प्रिविलेज का गलत इस्तेमाल करता है तो उसे क्या सजा दिया जाए। तो यही होता है हम लोग का प्रिविलेज मोशन। तो आप देख सकते हैं प्रिविलेज मोशन कैन बी मूव अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और एनी हाउस कमेटी, किसी के ऊपर भी लाया जा सकता है या कोई कमेटी के ऊपर भी। नोटिस इज मूव इन द फॉर्म ऑफ मोशन, यही नोटिस जो है ये मोशन के फॉर्म में आएगा, बाई मेंबर किसी भी ऑफ आइदर हाउस, कोई भी हाउस के मेंबर इसे ला सकता है। द स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड करेंगे, ये लोकसभा ये राज्यसभा दोनों में ये तो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि ये केस को एक्सेप्ट करना है कि नहीं। अगर हो जाता है तो एक कमेटी 15 मेंबर की बनाई जाती है, यह डिपेंड करता है स्ट्रेंथ उसके ऊपर। प्रिविलेज मोशन ये नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर अगर लाया गया है तो उसे रिजाइन करना होगा, ये जरूरी नहीं है। ये सजा उसे पार्लियामेंट देगा, वो बाद में डिसाइड होगा, ये जरूरी नहीं है कि उसे रिजाइन ही करना पड़ेगा। सेंसर मोशन क्या होता है, बहुत ही बार आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा। यह मोशन भी किसी एक मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी लाया जा सकता है, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है। सेंसर का मतलब ही, आप लोगों ने भी मूवी देखा होगा, सेंसर बोर्ड होता है मूवी का, कोई भी आम जो कि आम आदमी के मनोभावना को ठेस पहुंचा रहा है, तो उस सेंसर बोर्ड क्या करता है, उस क्लिप को बंद कर देता है या काट देता है। तो इसी तरीके से सेंसर मोशन भी होता है, ये किस क्या होता है, सरकार का जो रूलिंग पार्टी होती है उसके जो पॉलिसीज और एक्शन होते हैं उसका निंदा करता है। यह सरकार या मिनिस्टर के पॉलिसी एक्शन के निंदा के लिए मोशन को कॉल किया जाता है। यह मोशन पास होने के बाद जरूरी नहीं है कि जिस मिनिस्टर या जिसके विरोध में यह सेंसर बुलाया गया है उसे रिजाइन करना पड़े, और यह जो सदस्य कॉल करता है यह मोशन को, उसे ये बताना पड़ता है, बताना जरूरी होता है कि वो किस बेसिस पे सेंसर मोशन को कॉल कर रहा है। जैसे ही कोई गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पॉलिसी को सेंसर मोशन पास कर देता है, तो उस समय सरकार को जल्दी से जल्दी कॉन्फिडेंस मोशन बुला करके अपना भरोसा को मजबूत करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ मेरे पास कॉन्फिडेंस मोशन अभी है, मेरे पास बहुमत सरकार है, भले मेरा पॉलिसी में थोड़ा सा ड्रॉबैक आ चुका है लेकिन लोग मेरे साथ अभी भी है। तो ये कॉन्फिडेंस मोशन उन लोग को जल्द से जल्द दिखाना पड़ता है, जैसा कि इट शुड स्टेट द रीजन फॉर इट एडॉप्शन, जैसा कि उसे बताना पड़ेगा कि क्यों वो सेंसर मोशन ला रहे। इट इज मूव फॉर सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसी और एक्शन, उनके कोई पॉलिसी या एक्शन को सेंसर करने के लिए ये लाया जाता है। इफ इट इज पास लोकसभा इन द लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, ऐसा जो नहीं है कि उन्हें रिजाइन करना पड़े। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन के बारे में देख लेते हैं, ये क्या होता है। यह मोशन भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा ही लाया जाता है ताकि मिनिस्टर का जो फोकस है, जो ध्यान है, वो पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर पे पड़े। बिल्कुल जीरो आवर के तरह ही हमारे भारत में
कॉलिंग अटेंशन मोशन का इनोवेट हुआ है। बहुत ही अच्छा ये दोस्तों, ये हमारे भारत का ही खोज है, ये हमारे भारत ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया है। और कब किया है ये, कब से शुरुआत हो चुका है, 1954 से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो 1954 से इसका एग्जिस्टेंस चालू हुआ है। और ये जो है इसका जिक्र जो है पार्लियामेंट को चलाने के लिए जो रूल ऑफ प्रोसीजियर होता है उसमें भी मेंशन है, बल्कि 0 आवर का कोई रूल ऑफ प्रोसीजियर में मेंशन नहीं है। 0 आवर जो था वो 1962 में उसका एग्जिस्टेंस आया था। और क्लोजर मोशन क्या होता है, क्लोजर मोशन जो होता है पार्लियामेंट में, अगर कोई मैटर या मुद्दे पे काफी दिनों से डिबेट या डिस्कशन लंबे समय से चला आ रहा है और उस डिस्कशन को क्लोज करना करना हो तो क्लोजर मोशन लाया जाता है। जैसा कोई बहुत लंबे समय से डिस्कशन चला रहे या बहुत दिनों से, तो उसे एंड करने के लिए क्लोजर मोशन मेंबर के द्वारा लाया जाता है, ताकि उसे और ज्यादा लंबा खींचा ना जाए। अगर ये मोशन अप्रूव हो जाता है तो डिबेट को स्टॉप कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं, इस मोशंस के भी 4 टाइप होते हैं। पहला जो है सिंपल क्लोजर मोशंस। सिंपल क्लोजर मोशंस भाई बहुत हुए चर्चे, अब वोट करने की बारी है, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट आता है बहुत चर्चे हो गए, अब सिंपली इसके ऊपर वोटिंग करते हैं, चलो कोई अब ज्यादा डिस्कशन ना करके। इसी तरीके से आपका क्लोजर बाय कंपार्टमेंट है, कोई भी बहुत सारा पार्ट है आपका एक टॉपिक का, तो उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अगर मेरा बहुत बड़ा पार्ट है, और एक एक को डिस्कस करके इसके ऊपर वोट कर देते हैं, तो इसे क्लोजर बाय कंपार्टमेंट कहते हैं। इस इंटायर प्रोसेस को हम लोग एक बार में ही छोटे छोटे भाग में डिस्कस करके उस पर वोट करके खत्म करते हैं। कंगारू जो होता है, कंगारू क्लोजर होता है, इस टाइप के क्लोजर में सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर को ही डिस्कस करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर को ही, और बाकी को स्किप कर जाते हैं, रेस्ट को स्किप कर जाते हैं। और जिलोटिन क्लोजर होते हैं, इस टाइप के क्लोजर में सिर्फ, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जिलोटिन क्लोजर में किसी मैटर या डिबेट या डिस्कशन को दिए गए निर्धारित समय में, कोई एक टाइम दे दिया गया है, उसके अंदर में ही बहुत सारा मैटर हमको डिस्कस करना पड़ता है, पर उस समय में सारा मैटर को हम लोग, सारा टॉपिक को डिस्कस नहीं कर पाते हैं, कुछ मैटर रह ही जाता है। तो क्या होता है, जो मैटर को डिस्कस नहीं किए हैं हम लोग, उस पे भी वोटिंग करा देते हैं, क्योंकि समय का अभाव है, लैक ऑफ टाइम की वजह से हम लोग जो अनडिस्कस पार्ट है उस पे भी वोटिंग करा करके एक डिसीजन ले लेते हैं, तो उसी को ही, और इस मुद्दे को क्लोज कर देते हैं, इसी को ग्लियोटीन क्लोजर कहते हैं। आगे देखते हैं, जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने कॉलिंग अटेंशन मोशन को एक बार डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से देख लीजिए, ये इंडियन का इनोवेशन है, कितने ईयर में इसको हम लोग लाए थे एक बार आप लोग देख लीजिएगा, 1954 में ये रूल ऑफ प्रोसीड्योर में मेंशन भी है। मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है दोस्तों, हमारे प्रेसिडेंट जी जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा, 3 सेशन होता है, बजट, मॉनसून और विंटर। इसमें से जो पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन, जो पहला फर्स्ट सेशन को प्रेसिडेंट जी एड्रेस करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसी और प्रोग्राम्स होते हैं उसके आउटलाइंस को डिस्कस किए जाते हैं। जैसे ही डिस्कशंस खत्म होता है तो दोनों हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में, इस पे वोटिंग कराया जाता है, ये चेक करने के लिए कि गवर्नमेंट में अभी भी मेजोरिटी है कि नहीं, क्योंकि उसके आउटलाइंस और प्रोग्राम को क्रिटिसाइज भी कितने लोग करते हैं और कितने लोग अप्रिसिएट भी करते हैं, के हिसाब से जो हाउस में वोटिंग कराया जाता है, और कॉन्फिडेंस मोशंस को भी चेक किया जाता है गवर्नमेंट में है कि नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, फर्स्ट सेशन आफ्टर इज जनरल इलेक्शन और पहला सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, नो डे येट मोशन, जैसा कि नाम ही आपको दिखा रहा है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो मोशंस को जो सदस्य लाते हैं, हमारे अध्यक्ष द्वारा, स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एडमिट कर लिया जाता है, पर डे को मेंशन नहीं किया जाता है कि इस मोशन पे किस दिन पे डिस्कस किया जाएगा, डे मेंशंस नहीं होता है, ये मेंशंस नहीं होता है डे को। लीडर ऑफ द हाउस और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन से ये लोग मोशंस को डिस्कस करने का एक निर्धारित डे या पार्ट ऑफ डेज को अलाउ करते हैं, जैसे मोशंस हैज बीन एडमिटेड बाय द स्पीकर बट नो डेट हैज बीन मेंशन, तो इसे नो डे येट मोशन कहते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है दोस्तों, हम, मुझे लगता है काफी लंबा हो चुका है, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि और थोड़ा शॉर्ट करें वीडियो को। अगर
अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।